नमस्कार, मैं रचना शर्मा, चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है। सूबे में प्रत्याशियों के नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही बीजेपी ने प्रचार की भी धुआंधार शुरुआत कर दी है। बीजेपी ने इसका आगाज पार्टी के फॉरवर्ड नेता योगी आदित्यनाथ से किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ राजस्थान के अलवर जिले के तिजारा आए और सीएम योगी यहां बीजेपी प्रत्याशी बाबा बालकनाथ को नामांकन भरवाने पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और सूबे की अशोक गहलोत सरकार को जमकर घेरा। सीएम योगी ने देश की सभी समस्याओं की जड़ कांग्रेस को बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन समस्याओं का समाधान कर रहे हैं वे कांग्रेस की देन रही है। कांग्रेस ने देश को कश्मीर की समस्या दी, धारा 370 की समस्या दी, इनका समाधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री ने करके दिखाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस राम मंदिर की समस्या का समाधान नहीं चाहती थी, लेकिन पीएम मोदी आए और राम मंदिर की समस्या का समाधान किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ही समस्याओं का समाधान है। भाइयों बहनों, राजस्थान का जहां अपना गौरवशाली इतिहास है, वहीं राजस्थान की इस गौरवशाली परंपरा को कांग्रेस अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप कलंकित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और नहीं छोड़ा है इसने। हमें आश्चर्य होता है, कांग्रेस देश के अंदर समस्या का नाम बन चुका है। कांग्रेस देश की हर समस्या का नाम है। देश के अंदर आज जिन समस्याओं का समाधान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत कर रहा है, एक एक करके इन समस्याओं का समाधान हो रहा है। वे सभी समस्याएं कांग्रेस की देन है। याद करिए, देश आजाद हुआ था, आजाद भारत में भारत माता के महान सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के एकीकरण के लिए जो पीड़ा उठाया था वे उसमें सफल भी हुए, लेकिन कांग्रेस ने देश को कश्मीर की एक समस्या दे दी, धारा 370 की एक समस्या जिसका समाधान प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने करके धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील भी ठोक दी है। अब आतंकवाद सदैव के लिए समाप्त होगा, लेकिन यह समस्या की देन है कांग्रेस। याद करिए, स्वतंत्र भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार करवाया था, लेकिन कांग्रेस थी कि अयोध्या में राम मंदिर के विवाद का समाधान होना ही नहीं देना चाहती थी, लेकिन मोदी जी आए और योगी जी आए, अयोध्या में राम मंदिर की समस्या का समाधान हो चुका है। डबल इंजन की सरकार यही है, जो समस्या है उसका समाधान करने का नाम ही डबल इंजन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के मुरादनगर स्थित काइट शिक्षण संस्थान के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित गोल्डन जुबली सेरेमनी में शिरकत करने पहुंचे। कार्यक्रम में सीएम ने बीटेक, बीफार्मा, एमसीए, एमबीए पास आउट छात्रों को डिग्री वितरित की। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि फरवरी 2023 में इन्वेस्टर समिति में छात्रों और नौकरशाहों को जोड़ा गया था और इसके पीछे मकसद था कि जो युवा डिग्री लेकर आएगा उसे जनपद में ही रोजगार मिले। 6 साल में 38 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव प्रदेश में प्राप्त हुआ। आने वाले समय में 1 करोड़ 10 लाख युवाओं के लिए नौकरी की गारंटी है। मुख्यमंत्री ने काइट में स्पेस साइंस कोर्स की शुरुआत होने पर बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तक दक्षिण भारत में स्पेस साइंस का कोर्स चल रहा है, लेकिन अब उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश में विद्यार्थियों को स्पेस साइंस पढ़ने की सुविधा मिल सकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं, तकनीकी कॉलेज और विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिल रही है, साथ ही उन्हें रोजगार भी मुहैया करवाया जा रहा है। स्टार्टअप की सुविधा युवाओं को दी जा रही है। 6 साल पहले लोग अपना परिचय यूपी से होने का बताने में कतराते थे, लेकिन आज
यूपी के लोग गर्व से अपना परिचय देते हैं। समाज के हर तबके को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने विभिन्न स्टार्टअप योजनाएं शुरू कर रखी हैं, जबकि पहले की सरकारें खुद में ही उलझी रहती थी। याद करिए, आज से 25 वर्ष पहले केवल 3 डिग्री कोर्स के साथ काइट प्रारंभ हुआ। मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस, और अब तो एक लंबी श्रृंखला न केवल एकेटीयू से एफिलेटेड तमाम कोर्सेज यहां पर संचालित हो रहे हैं, बल्कि अभी मैंने देखा स्पेस साइंस में मुझे लगता है पहला संस्थान होगा प्रदेश का जहां पे स्पेस साइंस के बारे में भी एक नए पाठ्यक्रम के साथ संस्थान ने अपने आप को तैयार किया। रोबोटिक साइंस में, ड्रोन टेक्नोलॉजीज में डिग्री के पाठ्यक्रम को संचालित करने के लिए भी अपने आप को न केवल तैयार किया बल्कि उसको संचालित भी कर दिया। मैं बहुत पहले से एकेटीयू से इस बारे में कहता रहा हूं और मैंने स्वयं भी एकेटीयू टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति जी को इस बारे में कहा कि न्यू एज कोर्सेज को लेकर के हमें चलना होगा। मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने दुर्गा कुंड स्थित दुर्गा मंदिर में देवी के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना की। साथ ही सीएम ने काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में भी हाजिरी लगाई। सीएम ने सावन में भी 3 बार बाबा का दर्शन किया था। गोरक्ष पीठाधीश्वर ने बाबा के दरबार में हाजिरी लगाकर देश प्रदेश वासियों की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाई जैन क्षेत्र का उद्घाटन करने के बाद दुर्गा मंदिर में देवी के कुष्मांडा स्वरूप का दर्शन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी कोतवाल काल भैरव मंदिर में शीश नवाया। इसके बाद वे काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। यहां गर्भगृह में गोरक्ष पीठाधीश्वर ने बाबा विश्वनाथ का विधि विधान से पूजन अर्चन और जलाभिषेक किया। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।